श्री सप्तऋषि जी, शरद पवार जी और मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 30 जनवरी को मैं सेवाग्राम में था और आज 2 अक्टूबर के एक पूर्व संध्या पर मैं वहां हूं जहां से गांधी का हत्यारा गया था और वहां भी जहां गांधी की स्मृति में संभवतः पहला महात्मा गांधी भवन बना। याद ये भी आता है कि 1924 में काका कालेलकर ने कहीं लिखा है कि गांधी जी यरवड़ा जेल से मुक्त हुए थे, तो 100 वर्ष हो गए गांधी को जेल से मुक्त हुए पहली बार कम से या दूसरी बार, हालांकि उनको जेल में बार बार डाला गया और हर बार मुक्त हुए और अब उनको नए जेल में डालने की कोशिश हो रही है जिससे भी वो मुक्त होंगे ही। भारतीय समाज, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय धर्म, सार्वजनिक संवाद और भारतीय मीडिया, गांधी से जितनी दूर जाना संभव है उतनी दूर जा चुके हैं। पहली बात तो हमको ये माननी चाहिए। दूसरी कि जो नित्य वंदनीय गांधी थे वो आजकल नित्य निंदनीय गांधी हो गए और गांधी की निंदा करने वाले लोगों की जमात बढ़ती जाती है, उनमें से अधिकांश को ये पता तक नहीं है कि गांधी जी ने अपने ज़माने में क्या किया था वगैरह वगैरह। और तीसरा, रोज़ीना उनके बारे में नई नई दुर्व्याख्याएं फैलाई जाती हैं, जैसे उनकी वजह से बंटवारा हुआ कि उनकी वो उन्होंने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने से नहीं रोका इत्यादि इत्यादि। और असल में गांधी ने एक भारत तो अपने समय में रच लिया था और दूसरा उन्होंने सपनों का भारत सोचा था। उनकी एक पुस्तक ही है सपनों का भारत। अब ये दोनों खतरे में है एक तरह से। गांधी जयंती का वार्षिक अनुष्ठान तो होता है और प्रधानमंत्री भी जाते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन कोई गांधी जैसा आत्मावलोकन आत्मालोचन करता नहीं है। और बार बार ये कहा जा सकता है, कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अब गांधी अप्रासंगिक हो चुके। मेरा प्रस्ताव ये है कि ठीक ऐसे वक्त जब उनकी ना समझ निंदा, अज्ञान से भरी दुर्व्याख्या, उनके मूल्यों पर रोज कुठाराघात इत्यादि इत्यादि हो रहा है, ठीक उसी वक्त गांधी पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि अब ये आज का जो, इसके पहले कि मैं इस पर जाऊं, प्रार्थना सभा भी हुई, सर्वधर्म प्रार्थना सभा। मैं वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का संस्थापक कुलपति था, तो कभी कभी वहाँ जो रोज़ प्रार्थना सभा होती है उसमें जाता था। ये प्रार्थना सभा, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, गांधी जी ने सेवाग्राम में 1940-41 के आसपास शुरू की हो, वो आज तक अविराम चल रही है। 80 वर्ष हो चुके। दुनिया में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहां हर दिन सुबह और शाम सर्वधर्म प्रार्थना सभा होती हो। असल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में गांधी जी ने अपने समय का एक नया मंदिर बनाया था।
एक ऐसा मंदिर जिसमें किसी एक धर्म का ईश्वर नहीं होगा, सभी धर्मों के ईश्वर होंगे। ये एक बहुत रेडिकल कल्पना थी और आज भी दुनिया में कहीं भी ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा नहीं होती है। मैं कई दिनों से ही कोशिश करता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का शिक्षा सचिव था, वहाँ भी मैंने कोशिश की थी कि हर स्कूल में 15 मिनट शुरू में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होनी चाहिए। पर बहरहाल दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, अंग्रेजी में पूछा, कि इफ ऑल रिलीजन्स एस्पायर टू रीच द सेम गॉड, व्हाई शुड वी हैव सो मेनी रिलीजन्स। तो गांधी जी ने जो उसका उत्तर दिया, और ये दिस इज अराउंड 1928 और समथिंग, ही रोट इन यंग इंडिया, ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट। इस तरह से गांधी ने एक धर्मों का लोकतंत्र भी प्रस्तावित किया, जिसमें हम हर दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कुछ जो हमारे धर्म में नहीं है, जो दूसरे धर्म में है मुझसे सीख सकते हैं। बहरहाल, लेकिन आज का भारत क्या है? देखिए, मैं साहित्य का आदमी हूँ और उसी नज़र से देखता हूँ, और हो सकता है कि ये नज़र वैसे भी धुंधला रही है, बूढ़ी हो चुकी है, और हो सकता है कि ये मैं ज़रूरत से ज़्यादा देख रहा हूँ या ज़रूरत से कम देख रहा हूँ। एक तो ये है कि भारत में इस समय लोकतंत्र में निरंतर कटौती हो रही है, और ये कटौती लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके की जा रही है। दूसरा, अपराधीकरण हो चुका है असहमति का। ये उस देश में असहमति का अपराधीकरण हो रहा है जिसमें वेदों से लेकर पूरे 3-4 हजार साल की परंपरा में असहमति का सम्मान था। हमारे वेद प्रश्नवाचक हैं, उपनिषद तो प्रश्नोत्तर ही हैं, महाभारत में यक्ष प्रश्न हैं, रामायण में कुशल प्रश्न हैं, ऐसा कोई, और 6 षट दर्शन थे, 6 दर्शन थे, सब प्रश्न पूछते थे। आज हमसे कहा जा रहा है अगर प्रश्न पूछोगे या असहमत होगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमने 4 धर्म पैदा किए हिंदुस्तान ने, एक तो जिसको आजकल सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। अगर हिंदू धर्म इतना सर्व संतोषी था तो ये 3 नए धर्म क्यों बने? ये असहमति के धर्म है, ये हिंदू धर्म से असहमति के धर्म, और इनमें से 2 में, बौद्ध और जैन धर्म में, ईश्वर की परिकल्पना ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये ईश्वरहीन धर्म है। तो ये भारत में ही संभव है कि यहां असहमति को, असहमत धर्म को भी जगह मिली। लेकिन आज अभिव्यक्ति को, प्रतिरोध को, इनकार को, जो स्वतंत्रता हमको मिली हुई थी, वो बाधित हो रही। झूठ, डर, नफरत, हिंसा, हत्या, बलात्कार, लिंचिंग, ये सामाजिक अभिव्यक्ति के वैध माध्यम बन गए, और अदालतें भी इनमें हस्तक्षेप करने से हिचक रही। हर दिन नए दूसरे बनाए जा रहे हैं। संसार की सबसे बुनियादी समस्या इतिहास में भी और आज भी यही है कि हम अपने दूसरों का क्या करें। तो उसका एक हल हमने ये निकाल रखा है कि दूसरों को नष्ट कर दो, दूसरे हो ही ना, या उनको हाशिए पर डाल दो, किनारे पर डाल दो,
हर दिन दूसरे बन रहे हैं, धार्मिक दूसरे, सांप्रदायिक दूसरे, जातिगत दूसरे, वैचारिक दूसरे, इत्यादि इत्यादि। असल में तो हमारे समय में असली अल्पसंख्यक सच है, लहू लुहान फटे हाल। झूठ के पास बहुत साधन है, झूठ तो सदलबल चलता है, उसकी चकाचौंध में हम लोग हैं, और सच दबा हुआ, ठिठका हुआ कहीं किनारे पर। गनीमत यह है कि वो है, और अभी तक उसको झूठ न तो पराजित कर पाया है न नष्ट कर पाया है। आप अगर आंकड़े देखें, क्योंकि मैं सिविल सेवक था तो मैं आंकड़ों, हालांकि सरकारी आंकड़े इन दिनों बहुत ही संदिग्ध हैं, पर संदिग्ध तो पूरी सरकार ही है, लेकिन बहरहाल आंकड़े तो कम से कम संदिग्ध हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से स्त्रियों, बच्चों, आदिवासियों, मुसलमानों के विरुद्ध जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे, और इनका लगभग 65% यानी 2/3 अकेले हमारे हिंदी अंचल में होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार इत्यादि इत्यादि। और हमारे समय में राजनीति, धर्म, मीडिया और बाजार का अभूतपूर्व गठबंधन हुआ है, जो इस गठबंधन को करके दरअसल स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारे के मूल्यों को हाशिए पर डाल रहे हैं। हर दिन, वैसे तो झूठ लाल किले से भी बोलता है, झूठ को इतने मंच मिल गए हैं, बड़े बड़े मंच मिल गए हैं, और झूठ के अनुयायी भी इतने हो गए हैं। ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, इतने बेशर्म पत्रकार पहले कभी नहीं हुए होंगे। यहां मीडिया के लोग, और हो सकता है कि वो इस बिरादरी में शामिल न हो, पर झूठ की बिरादरी में, नफरत की बिरादरी में, हिंसा की बिरादरी में ये सब शामिल हो चुके हैं। धर्म शामिल हो गया, मीडिया शामिल है, राजनीति शामिल है, और बाजार शामिल है। संवैधानिक संस्थाएं, उनका उपयोग अब डर पैदा करने के लिए किया जाता है। हर एक पर एक छाया है कि तुम्हारे पास CBI आ जाएगी, ED आ जाएगा, जाने कौन आ जाएगा। जब महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे थे, तो दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों उनके पास गए, और दोनों ने पूछा कि राजधर्म क्या है। तो भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, उसके 2-3 अंश मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अंश तो ये था कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को हर प्रकार के भय से मुक्त रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पितामह ने कहा है, महाभारत में कहा है। दूसरा, भीष्म पितामह ने यह भी कहा कि राजा को मूर्खों और लालचियों को राजकाज में नहीं लगाना चाहिए। अब कितने लगे हैं आप खुद जानते हैं। यही नहीं, वन पर्व में पूछता है कि किस धर्म का पालन करना चाहिए, तो महाभारतकार कहता है कि उसी धर्म का पालन करना चाहिए जिस धर्म का किसी दूसरे धर्म से विरोध ना हो। मित्रों, हमको बहुत आजकल हर चीज वेद से आ रही है, हर चीज हमारी परंपरा में है। परंपरा के से निरक्षर समाज इतना पहले कभी नहीं हुआ जितना आज बनाया जा रहा है।
मैं ये सब जो आपको उदाहरण दे रहा हूं वो सब हमारे मान्य गौरव ग्रंथों से हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम से कहलाया है। जब उनका राम राज्य स्थापित हो गया तो वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाइयों, अगर मुझसे कुछ अनीति हो जाए तो बिना भय के मुझे टोकना। अगर अनीति हो जाए, हमारे यहां अनीति का तो रोज तमाशा है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, और अगर आप उस पर टोक दें किसी को तो जेल का रास्ता खुला हुआ है। और नई बहादुरी क्या है कि किसी निरपराध व्यक्ति को 10 लोग मिलकर मार डालें, ये नई बहादुरी। आप याद करिए कि कितने लोग अखलाक जो भी नाम थे, हम लोगों ने जब अपना अकादमी पुरस्कार वापस किया था तो एक कोई बेचारा आदमी था मेरठ में, कहाँ, उसके घर में कहा गया कि उसके फ्रिज में बीफ का एक टुकड़ा है। बाद में पाया गया कि ऐसा नहीं है, वो टुकड़ा बीफ का नहीं था, वैसे अगर था भी तो क्या, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। और ये बड़ी बहादुरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को 4 लोग 5 लोग मिलके। हमारे यहां राजनीति में 2 शब्द हैं, राज और नीति। अब राजनीति का कम से कम जो वर्चस्वशाली राजनीति है उसमें राज का इतना आतंक है कि नीति लगभग गायब हो गई है। तो नीति राजनीति से, अध्यात्म धर्म से, असलियत और सच्चाई मीडिया से, अंतःकरण समाज से, जिम्मेदारी से बाजार, भद्रता से सामाजिक संवाद मुक्त हो चुके हैं। ये नई आज़ादी है। आप कह सकते हैं कि हमारी स्वतंत्रता का एक नया चरण है जब हमने इन सब को इनकी जिम्मेदारी से, नैतिकता से मुक्त कर दिया। और यही नहीं है कि एक किसी भी समाज को बनाए रखने की, उसकी यत्ता और अस्मिता को बनाए रखने का एक बड़ा भारी उपकरण हमारी स्मृति होती है, सामूहिक स्मृति और निजी स्मृति। अब हमारी सामूहिक स्मृति को एक सुनियोजित अभियान के द्वारा बदला जा रहा है। तो एक गढ़ी गढ़ाई नई स्मृति थोपी जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आजकल मुगल काल बहुत निंदित है, या कि क्या मुगलों ने, मुगल क्या करते रहते। अकबर ने वाल्मीकि रामायण का फारसी अनुवाद करवाया। अनुवाद जब हो गया तो उस जमाने में किताबें तो होती नहीं थी, पांडुलिपियां होती थी, तो 2-4 प्रतियां बनती थी। तो अब चूंकि वो बादशाह सलामत ने वो अनुवाद कराया था तो उसका चित्रांकन होना जरूरी था। तो चित्रकार बुलाए गए कश्मीर से, राजस्थान से, ग्वालियर से। अब वो सब अपनी अपनी शैली लेकर आए, पर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकबर द्वारा जिस फारसी अनुवाद को प्रकाशित किया जा रहा है उसमें तरह तरह की शैलियां हों। तो सब ने एक वर्कशॉप में बैठकर एक मिली जुली शैली बनाई जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप सोचिए कि अकबर रामायण का फारसी अनुवाद कराता है और उसके चित्रांकन करने की प्रक्रिया में मुगल शैली का जन्म होता। हटा दीजिए आप मुगलों को हमारी स्मृति से,
पर क्या मुगल शैली भी हट जाएगी? ये बहुत मूर्खतापूर्ण प्रयत्न है कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप समाज की स्मृति को बदल सकते हैं। मुश्किल क्या है कि इस समय राज्य और बाजार दोनों ही समाज को अपदस्थ करने में लगे, जैसे समाज का कोई अर्थ ही नहीं है, हम ही समाज हैं। ये तो कहा ही जा रहा है, राज्य ही समाज है, और बाजार वाले भी चाहते हैं कि हम ही समाज हैं। एक स्वच्छता अभियान चला, आप सबने भी उसमें शायद भाग लिया होगा या आपके आसपास कहीं वो उसका, तो वो सार्वजनिक जीवन से नैतिक स्वच्छता बुहार के फेंक दी गई। एक जमाने में गरीबी हटाओ आंदोलन चलता था, तो हमारे एक मित्र थे शरद जोशी, हिंदी के व्यंगकार थे, तो उन्होंने कहा कि भाई गरीबी हटाओ तो कहाँ ले जाओ, तो उनका पिछवाड़े डाल दो। तो इसी तरह से हमने जो नैतिक मूल्य हैं उनको पिछवाड़े डाल दिया, क्योंकि वो खामखा आड़े आते थे हमारी स्वच्छता अभियान के। इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा यशोगान होता है, राम मंदिर टपक रहा है, जो राम पथ बनाया गया है उसमें 19 पॉटहोल्स पहली बरसात में निकले, संसद का नया भवन टपक रहा है, नई दिल्ली, राजकोट और जबलपुर के नए हवाई अड्डों की छत गिर गई, हर हफ्ते रेल दुर्घटना हो रही है, और अभी तो कहां मथुरा में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, ऐसा पहली बार हुआ। ये बहुत ही अद्भुत है कि रेलगाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म के बगल में खड़ी ना होकर उसी पर चढ़ जाए। और हर सप्ताह एक पुल गिरता। हमारे एक मित्र हैं, वो कहते हैं भाई बहुत गर्मी से पुल को प्यास लगती है तो पानी पीने नीचे चला जाता है। एक कोई पुल बना है शायद 45 करोड़ का, अब उसको हटाने की का निर्णय हो चुका है, जिसमें 55 करोड़ रुपए खर्च होंगे उस पुल को हटाने से, क्योंकि गलत जगह बन गया है। दौलत का बंटवारा इतना अन्यायपूर्ण पहले नहीं हुआ जितना आज है, यानी कुल 5% के हाथ में 50% से अधिक दौलत इस देश की है। विधायकों की खरीद फरोख्त महाराष्ट्र में क्या कहना, यहां तो होती रहती। चुनी हुई सरकारों को गिनाना, प्रतिपक्ष के नेताओं के विरुद्ध लगातार जांच पकड़ इत्यादि, ये दैनिक घटनाएं जिनको पढ़ा लिखा वर्ग, मीडिया आदि न तो जिसकी निंदा करते हैं न इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। ऐसे ये तो होता ही रहता है, कहाँ होता रहता है, अगर होता रहता तब भी गलत था, अगर पहले हुआ तब भी गलत था। और आप ध्यान दें, एक जमाने में भी थोड़े बहुत गुंडे तो राजनीति में घुस ही जाते थे, लेकिन राजनीति उनको महिमा मंडित नहीं करती थी। अब तो गुंडई, लफंगई, टुच्चई और दबंगई, ये चारों राजनीति में बहुत ही चमचमाते ढंग से, खासकर सत्ता में। ऐसा लगने लगता है कई बार कि भारतीय समाज का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा पूरी तरह से नीति शून्य और अंतःकरणहीन हो गया है। सत्ता, अधिकार, निर्णय, यहां तक के भ्रष्टाचार का भी केंद्रीकरण हो गया। अब भ्रष्टाचार केंद्र में ही होता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रल रोल वगैरह खरीदे गए थे। अब इस सब में गांधी की प्रासंगिकता कहां आती? तो एक तो ये आती है कि अगर हमको इस स्थिति से
अपने को, अपने समाज को, अपने देश को उबारना है तो एकमात्र सहारा गांधी द्वारा प्रस्तावित कुछ मूल्य हैं। असल में गांधी ही सबसे बड़ा प्रतिपक्ष है आज, क्योंकि और इसलिए ये नहीं कि उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम वैसा का वैसा स्वीकार कर लें, उसमें गांधी जी थोड़े सनकी भी थे ना, तो कुछ ना कुछ और बातें भी करते थे, लेकिन उनके जो उनकी जो बुनियादी दृष्टि है उसके पुनराविष्कार का समय है, वही हमको बचा सकता है। हम में से हर व्यक्ति अगर झूठ और पाखंड की हर स्तर पर पहचान करने लगे और झूठ और पाखंड को स्वीकार न करने का जतन करने लगे और झूठ के बरक्स सच देखने और बोलने का साहस करने लगे और झूठ को चाहे वो कितने ही बड़े पैमाने पर और चाहे लाल किले से, संसद से, मीडिया से, टीवी चैनल से और राजनेता, मंत्री, संतरी, संत गुरु द्वारा बोला बरता जा रहा हो उसको अस्वीकार करें। अगर इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, जहां आप हैं आपको पता है कि ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं, तो हमें एक नई नागरिकता की तलाश करनी होगी और उसको विकसित और विन्यस्त करना होगा, जो मुखर हो, सक्रिय हो। उसने थोड़ा थोड़ा होना शुरू किया है, उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और झूठ के पास कितना ही जन बल, धन बल, लाओ लश्कर, रौब ठाट, सजावट, मिठास, चमक दमक, लालच, आकर्षण हो, उसे बड़ी संख्या में लोग मानने लगे हों, तब भी हमको इस विश्वास की वापसी करनी होगी कि झूठ कभी जीत नहीं सकता, कि झूठ को हराया जा सकता है, कि अंततः सच ही जीतेगा। हमारा आप्त वाक्य है सत्यमेव जयते। आज गांधी के सत्याग्रह का यही आशय हो सकता है कि हम हर व्यक्ति निजी तौर पर, क्योंकि हम सब निजी तौर पर नागरिक हैं। दूसरा, किसी भी तरह की हिंसा, चाहे वो भौतिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, वाग हिंसा हो, क्यों ना हो, उसमें शामिल होने से इनकार करें। हम हिंसा के साथ नहीं हैं और हिंसा के शिकार लोगों की मदद करें। जो लोग हिंसा के शिकार होते हैं उनकी हम मदद करें, राहत पहुंचाएं और स्वयं कोई हिंसक कर्म या भाषा का उपयोग न करें। हमको बहुत डराया गया है पिछले 10 बरस में, हम बहुत डरे हुए लोग हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? गांधी ने इतने बड़ी सत्ता, आपको याद होगा कि जिस समय गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व संभाला, ये संग्राम संसार के सबसे बड़े साम्राज्य के विरुद्ध संग्राम था। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह किया जिसमें उनके साथ 75 लोग गए थे। बीच बीच में भीड़ होती थी लेकिन कुल मिलाकर 75 लोग गए थे। और बहुत दिलचस्प प्रसंग है, शाम का वक्त हो रहा था, गांधी जी और सत्याग्रही पहुंचे एक गांव, आगे नदी थी, उसी को पार करके अगले गांव जाया जा सकता था। नदी उथली थी तो उसमें नाव नहीं चल सकती थी और कीचड़ भरी थी तो उसमें पैरों से नहीं चला जा सकता था। तो ये तय हुआ कि रात 12 बजे जब ज्वार आएगा और थोड़ा पानी आ जाएगा नदी में, तब हम नाव में पार करेंगे।
अब गांधी जी तो आप जानते हैं समय के बहुत पाबंद थे, उन्होंने घड़ी निकाली, देखा और जाके एक झोपड़ी में सो गए। ये जो गांव वाले थे इनको चिंता सताना शुरू हुई कि इतनी अंधेरी रात है, हम ये जोखिम कैसे उठाएं कि महात्मा जी और उनके सत्याग्रही नाव में पार करें, तो कुछ रोशनी होनी चाहिए। अब आप जरा इस दृश्य को देखें, ये 85 वर्ष पहले इसी भारत में संभव हुआ था। जब गांधी जी बाहर आए तो देखा उन्होंने कि सैकड़ों देहाती अपने हाथ में दिया लिए हुए खड़े थे। आप जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। और ये खबर उस तरफ के गांव में भी पहुंच गई थी, तो वहां के लोग भी दिया लिए हुए खड़े थे। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये पुणे के ब्राह्मण नहीं थे, मतलब मुहावरे में ये किसी शिक्षा संस्थान में नहीं गए, ये गरीब थे, किसान थे ज्यादातर। इनको पता था कि अगर अंग्रेज बहादुर को पता चल गया तो हमारे ऊपर कहर बरपा होगा, लेकिन उनमें ये हिम्मत थी कि जब एक व्यक्ति और उसके साथ कुछ लोग, सबके सब एक तरह से पागल, नदी पार कर रहे हैं तो हम कुछ और तो नहीं कर सकते, कम से कम रोशनी तो दिखा सकते हैं। ये नागरिक धर्म क्या हम आज नहीं निभा सकते? हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम तो अपना परिवार अपने को नहीं बदल पाते, दुनिया क्या बदलेंगे? लेकिन जब कोई दुनिया बदलने वाले लोग होंगे तो क्या हम उनको थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा गुड़ पानी, थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी रोशनी नहीं दे सकते? आखिर गांधी ने किया क्या था? यही तो किया था। और डरना, एक निर्भय नागरिकता की जरूरत है। आप याद करें कि गांधी जी ने जब भारत छोड़ो का नारा दिया था, और वो जो आखिरी, कितने लोगों ने उनके सिर्फ आह्वान पर नौकरियां छोड़ी थी, घर द्वार छोड़ दिया था। मैं आपको एक उदाहरण फिर देना चाहता हूं, ये बहुत रोचक प्रसंग है। विश्वंभरनाथ पांडे जो बाद में उड़ीसा के गवर्नर बने, वो इलाहाबाद से पीएचडी करने के बाद उन्होंने तय किया कि वो गांधी जी के पास जाएंगे। अब पहुंचे सेवाग्राम, अब गांधी जी से मिला कैसे जाए, क्योंकि गांधी जी सुबह शाम, तो किसी ने कहा कि वो सुबह शाम जब सैर पर निकलते हैं तभी उनको पकड़ो, तो उन्होंने पकड़ा। तो गांधी जी ने पूछा, भाई कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि मैं फना फना हूँ। कौन जात? कहा ब्राह्मण। कहा क्या पढ़े लिखे हो? तो कहा मैं, हमने पीएचडी की है। अरे कहा, तुम पढ़े लिखे आदमी, तुम यहाँ क्या करोगे आश्रम में? कहा नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। तो कहा कि एक महीने आश्रम का संडास साफ करो। ये ब्राह्मण है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करके आया है, उससे गांधी जी ने कहा कि एक महीने तक संडास साफ करो। ये बताते हुए विश्वंभरनाथ पांडे रोते थे कि उस आदमी ने एक पल में मुझे कितना बदल दिया। वो 45 दिन तक करते रहे, क्योंकि जब गांधी जी के जाने का वक्त होता उसी समय उनके संडास साफ करने का वक्त होता था, तो मिले कैसे, किसी तरह से मिले। तो गांधी जी को याद था, उन्होंने कह रहे हमने तुमसे एक महीने के लिए कहा था, चलो अब दूसरा काम देते। तो गांधी जी का एक और सूत्र था, सविनय अवज्ञा। हम एक आज्ञाकारी समाज बनाने की कोशिश हो रही है। आज्ञाकारी समाज यांत्रिक,
सृजन कल्पनाहीन विचार शून्य समाज होते हैं। ऐसा समाज बनाने की चेष्टा हुई है, आज्ञाकारी समाज बनाने की। भारत में उन्हीं लोगों ने परिवर्तन को रूप और दिशा दी है जो आज्ञाकारी नहीं थे, जिन्होंने आज्ञाकारी होने से इनकार किया। तो आज ऐसे नियम कानून, ऐसे आयोजन सब हो रहे हैं जो आपको स्वतंत्रता, समता, न्याय, भाईचारे के सिद्धांतों के उल्लंघन की ओर ले जाते हैं, आपको सविनय अवज्ञा करनी चाहिए। अहिंसक पर सविनय, लेकिन अवज्ञा कि हम ये नहीं मानेंगे, चाहे आपके मोहल्ले का कोई बड़ा रसूखदार क्यों ना हो और कोई जो भी हो। और क्योंकि राज्य समाज का स्थानापन्न बनने की कोशिश कर रहा है, एक सजग, सतर्क, सक्रिय नागरिकता का प्रकट होना बहुत जरूरी है, तभी सच्चा स्वराज स्थापित होगा। हमने लोकतंत्र पा लिया, उसके बहुत सारे हम लोग लोकतंत्र की ही संतान हैं, हमको जो अवसर मिला है वो लोकतंत्र के कारण मिला है। लेकिन जब ये नागरिकता अहिंसक होगी, सत्याग्रही होगी, सविनय अवज्ञाकारी होगी, तभी स्वराज बनेगा। हमसे बार बार ये कहा जाता है कि कोई विकल्प नहीं है, न तो भारतीय समाज इतना कायर और नपुंसक है कि वो विकल्प न खोज सके, दूसरा हमारी परंपरा में बार बार हमने विकल्प खोजे, इसलिए आज विकल्प नहीं है और कोई एक व्यक्ति है जो अपराजेय है। ये तुमार जो बांधा गया है, इसके पाखंड को देख सकना चाहिए। हम इतने करोड़ लोग हैं, हम क्या विकल्प नहीं खोज पाएंगे? और विकल्प सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं होगा, हमको हर स्तर पर छोटे छोटे विकल्प भी सोचने होंगे, तभी हम एक सक्रिय सकर्मक समाज बनेंगे। मैं आपसे विदा लेने के पहले, मेरी उम्र 8 बरस की थी जब गांधी जी की हत्या हुई। हम एक छोटे शहर में रहते थे, सागर, मध्य प्रदेश में। उसमें एक छोटा मोहल्ला था जिसमें ज़्यादातर अफसर, कुछ अध्यापक, कुछ कारकुन वगैरह रहते थे। जैसे ही ये खबर आई, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा हो गया और किसी के घर में खाना नहीं बना। हम बच्चों के लिए एक हलवाई ने कुछ पूरी और सब्जी बनाई जो बच्चों को दी गई। उसके बाद अगले दिन जब गांधी जी की शव यात्रा शुरू हुई, हमारे घर में भी बिजली भी नहीं थी और रेडियो भी नहीं था। एक नायब तहसीलदार साहब थे, उनके यहाँ एक बहुत ही खांसता खकारता रेडियो था, तो चूंकि हम उनके पारिवारिक मित्र थे तो हम लोगों को उनके बैठक खाने में रेडियो के पास जगह मिल गई। 250-300 लोग बाहर जमा थे जो सुन ही नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है, और वो जो आंखों देखा हाल सुनाते थे उनका गला भर आता था। तो हम लोग रोने लगते थे, तो रोने की एक लहर बाहर जाती थी और जो कुछ नहीं सुन पा रहे थे वो भी रोने लगते थे। 13वें दिन हर परिवार में तेरही मनाई गई। मैंने हिंदू में उस समय एक बाद में एक लेख लिखा था, ए डेथ इन एवरी फैमिली। महात्मा गांधी की मृत्यु हर परिवार में एक मृत्यु मानी गई थी। इसलिए हमको ये याद रखना चाहिए कि हम ही थे
जिन्होंने एक महात्मा गांधी को जगह दी, और हम ही हैं जो अब उस महात्मा गांधी को हटाने के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, और हम ही हैं जो फिर महात्मा गांधी को मूर्ति में नहीं, इस नई नागरिकता में साकार करेंगे। धन्यवाद।